नमस्कार, मैं पूजा वशिष्ठ आप सभी का वन इंडिया हिंदी में स्वागत करती हूँ। कांग्रेस नेता द्वारा अपने पिता को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के विदिशा में आयोजित एक चुनावी सभा में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि क्या कारण है आज जो मेरे पिताजी को भी घसीट कर ले आए, जो 30 साल पहले ही दुनिया छोड़कर चले गए हैं। आज के नामदार कहते हैं कि मोदी जी भी तो मेरे परिवार के लिए बोलते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विलासराव मुत्तेमवार का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कहते सुने जा रहे हैं कि पीएम बनने के बाद से पहले नरेंद्र मोदी को कौन जानता था। आज भी उनके पिता का नाम कोई नहीं जानता। उनके पिता का नाम तो छोड़ ही दो आप। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी का नाम आज सभी लोग जानते हैं। पंडित जी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा जी थी, राजू जी थी, सोनिया जी थी, इतने बड़े पदों पे, लेकिन आज उनका खुद का रहने का घर नहीं है। क्या हिसाब लेते हो जी आप? अच्छा, उनका हिसाब पूछते तो पहले अपना तो हिसाब बताओ। तुम्हें कौन कल तक जानता था देश का प्रधानमंत्री बनने के पहले? और आज भी तुम्हारे बाप का नाम कोई जानता नहीं? राहुल गांधी के बाप का नाम सब लोग जानते, राजीव गांधी। राजीव गांधी के माँ का नाम सब लोग जानते, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के पिताजी का नाम सब लोग जानते, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू सब लोग जानते। पांच जनरेशन एक लाइन से सब लोगों को मालूम है। लेकिन ये नरेंद्र, उसके पिताजी का नाम मालूम है? उसके पिताजी को तो छोड़ ही दो आप। और वो आदमी उनका हिसाब पूछ रहा है कि हिसाब दीजिए कर। और अभी चार साढ़े चार साल में कुछ नहीं जमा तो गलत गलत बात करके चुनाव जीतना चाहते हैं। ना देश ठीक ढंग से चला सके, ना तो आप जो आपके मुख्यमंत्री हैं उनको ठीक ढंग से चला सके, ना राजस्थान की जनता खुश है, ना देश की जनता खुश है। वहीं इस विषय पर पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के विदिशा से पलटवार किया। उन्होंने जो कुछ कहा आइए सुनते हैं। लेकिन आज मैंने देखा टीवी में, सोशल मीडिया में चल रहा है, मेरी माँ को गाली देने से कुछ मेल नहीं बैठा, आज मेरे पिताजी को घसीट के ले आए। मेरे पिताजी जो 30 साल पहले ये दुनिया छोड़ करके चले गए, मेरे परिवार का 100 पीढ़ी में भी किसी का राजनीति से संबंध नहीं है। छोटा सा गांव, गरीब परिवार जैसे होते हैं वैसी जिंदगी गुजारने वाले हम लोग, क्या कारण है क्या आज मेरे पिताजी को भी घसीट के ले आए जो 30 साल पहले दुनिया छोड़ के चले गए हैं? और कांग्रेस के नामदार कहते हैं कि मोदी जी भी तो मेरे परिवार के लिए बोलते हैं। अरे नामदार, हम आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं बोलते हैं, हम देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए बोल रहे हैं, हम देश की भूतपूर्व कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, अरे नामदार, हम आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं बोलते हैं, हम देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए बोलते रहे हैं, हम देश के भूतपूर्व कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, हम कभी भी किसी के परिवार को लेकर निजी हमला नहीं करते, हम उनके पद को लेकर बोलते हैं जिस पर वो रहे थे, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने मेरी माँ और पिताजी को भी लेकर निजी हमले किए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी चैनल।